अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि हर घर तिरंगा लगाने का प्रयास करें और इस राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए ध्यान रखें कि इसकी आन बान शान पे कोई कमी ना आए। अभियान चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का, इसमें आपके तरफ से अभी क्या अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष पर जो हमारा अमृत महोत्सव, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके आह्वान पर, जो उनके एक आह्वान पर हमारे देशवासियों ने उनके उनकी हर बात को, देखिए जो प्रधानमंत्री जी सोच कर लाते हैं, चाहे वो कोई भी फैसला, वो जनता के दिलों से जुड़ा हुआ फैसला होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर जो देश की जनता है, देश की क्या विदेश की भी, उनके इस हर फैसले को अपने हाथों हाथ लेती है। प्रधानमंत्री जी का ये एक बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर जो देश की जनता का विश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और रही हमारी तरफ से, तो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई यात्राएं कर रहे हैं तो हमारे विधायक जी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और हमारे वार्ड में भी लगभग 3 यात्राएं हो चुकी हैं, जिसका एक कल हमारे यहाँ वर्चुअल रैली में चंपावत से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि वो ऐतिहासिक रैली थी जो हमारे वार्ड और 59-60 के सम्मानित हम सब आप लोगों जैसे भाइयों के सबके सहयोग से जो हुई है उनका साथ। और दूसरा, तिरंगे में तिरंगा जो हमारे विधायक जी से, मैं आज बैठ कर अभी थोड़ी देर पहले भी उन्हीं से आया हूँ, तिरंगे कुछ राष्ट्रध्वज लेकर आया हूँ और भी, और हमने अपने स्तर से ये लगाया हुआ है कि हर घर तक राष्ट्रध्वज पहुँच जाए, उसके लिए हमारे लगातार लड़के, मैं कल शाम भी लगातार अपना भी अपने क्षेत्रों में घूम रहा था और आज भी, आज से लगाऊँ 12 से 1 बजे तक लगभग लगभग पूरे वार्ड के अंदर राष्ट्रध्वज वितरित कर दिए जाएंगे, और उन्हें उसकी गाइडलाइन भी बताई जा रही है कि भाई ये जो राष्ट्रध्वज लगे सबसे ऊँचे पे लगे, इसका कहीं भी गलती से भी अपमान ना हो, क्योंकि बहुत से लोग आप देखेंगे कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएंगे कि जी ये हो गया, अभी ये हो गया, वो तो देखो अपोजिशन वाली जो बात होती है वो करते हैं। कितने उस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा, आप 25वें वर्ष भी हुई है, 50वें वर्ष भी, आज तक ऐसा कभी, आप, मैं आप ही के माध्यम से आप ही से पूछ लेता हूँ कि कभी इतना हर्षोल्लास देखा है? 15 अगस्त मनाते थे, हमारे अंदर सब में हर्षोल्लास उल्लाता है, लेकिन ये एक माह, जैसे आप ले लीजिए हमारा नवरात्र 9 दिन होते हैं, भगवान भोलेनाथ का सावन मास होता है, 1 महीने चलता है, तो इस 1 माह में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो ऐतिहासिक कार्य हुआ कि जो सबके दिलों को छूने वाला है। और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज में मैं एक बात मानता हूँ, मैं तो आपके मन से एक बात भी बोलना चाहूँगा, जो अपोजिशन वाले बात बोलते हैं, अरे आप राजनीति अलग कीजिए, ये राष्ट्रध्वज का इसका सम्मान कीजिए, और लोगों को राष्ट्रभक्ति, जब हम इसे तिरंगे को देखते हैं, आप देखते होंगे बहुत सी, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे जो वीडियो आती हैं उसमें देशभक्ति गीत के साथ लोग अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, तो इसमें कोई बड़ी बात मैं उससे। स्वतंत्रता दिवस भी आ गया, 13 से लेकर के 14-15 तक ये आह्वान किया गया कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, पूरे अगस्त को लेकर के क्या तैयारी, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं हर घर तक तिरंगा पहुंचाने के लिए, पहले ही हमने प्रयास कर लिया था, लेकिन कुछ तिरंगा, अब देखिए पूरे देश के अंदर तिरंगा लग रहा है तो शॉर्टेज भी आ रही है, तो आज सुबह भी लगभग 450-450 राष्ट्रध्वज लाया हूं, और वो अभी लड़के वितरित कर रहे हैं, अभी आपसे मैंने आपको कहा भी कि मैं बिजी शेड्यूल में चला जाऊँगा, मैं खुद जा रहा हूं हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए, और लोग खुद फ़ोन कर रहे हैं, खुद मैसेज कर रहे हैं, और ऑफिस तक आ रहे हैं, सड़क पे अगर हम खड़े हैं तो वहाँ से भी हमसे तिरंगा मांग रहे हैं, ये जज्बे को सलाम है, और ऐसे लोकप्रिय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं सलाम करता हूँ उनको जिन्होंने इतनी सोच लाए कि हर घर तक तिरंगा, बहुत सी इसमें पहले संवैधानिक अड़चने थी, उन अड़चनों में करेक्शन करके वो जो सबको आपको आपका अधिकार दिलाया, बहुत से लोग लड़ते थे कि भाई हमारे घर पर राष्ट्रध्वज हो, तो कानून के दायरे में भी जाके डिमांड करते थे, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। प्रदेशवासियों को 75वें वार्षिक ये स्वतंत्रता अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि हर घर तिरंगा लगाने का प्रयास करें और इस राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए ध्यान रखें कि इसकी आन बान शान पर कोई कमी ना आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।